ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बेटा हमारा टॉपिक है हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी। मतलब हम रिएक्टिविटी किसे कहेंगे, रिएक्टिविटी होगी बेटा किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होगी टू अटेन कंप्लीट फिल्ड वैलेंस सेल। वैलेंस सेल की बात है बेटा, वैलेंस सेल क्या होती है बेटा, तो आउटर मोस्ट शेल होगी, ठीक है। हमने नाइन्थ क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था KLMNC, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ सोडियम का एग्जांपल बेटा, एटॉमिक नंबर इसके कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये के, ये एल, और ये होगी बेटा एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में 8 होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेटा। आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर दिए, L में 8 कर दिए। अब बेटा M में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 + 2, 10, कितने बच गए, 1। तो बेटा 1 में M में कितना आया, 1। अब बेटा जो M है ये मेरी आउटर मोस्ट शेल कहलाएगी, आउटर रहेगी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वही मेरे क्या कहलाएंगे बेटा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाएंगे, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, वैलेंस सेल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आप मान लो क्लोरीन की बात करें तो बेटा इसके एटॉमिक नंबर 17 होते हैं। अगर इसका भी ऐसे किया जाए बेटा, ये न्यूक्लियस के एल, ये होगी है के में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर दिए, ठीक है। एल में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। के में सर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 बेटा, एम में कितने आएंगे, कितने बच गए, 8 + 2, 10 तो हमने फिलअप कर दिए, 7 बच गए, तो कितने आएंगे सर, 7 बेटा। एम में कर दो 7, 5, 6, 7, ठीक है। तो बेटा इसकी वैलेंस सेल एम होगी, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 7 हो गए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमने मेटल के बारे में पढ़ा है क्या कि सर जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, और बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, लूज करेंगे ना, वो क्या फॉर्म करेंगे बेटा, कैटायंस। कैटायंस का मतलब बेटा, यहां से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो जो लूज करेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na+, ठीक है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे मैग्नीशियम अपने 2 करता है, तो Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 किए, तो बेटा कितना पॉजिटिव आ गया, 2 पॉजिटिव, ठीक है। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे बेटा, गेन एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, Na 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, Na 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये बेटा, 7 तो ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना नेगेटिव आ जाएगा, 1 नेगेटिव। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, एनायन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, कैटायन। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड का फोर्थ बोल रहा है, द कंपाउंड, वो कंपाउंड जो फॉर्म बनेगा बाई द ट्रांसफर, ट्रांसफर होने से किन के बेटा, इलेक्ट्रॉन के, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनेगा, कहां से, मेटल टू नॉन मेटल बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर होंगे, मेटल से नॉन मेटल में, उसको क्या कहेंगे, आयनिक। दोबारा बोल रहा हूं, क्या, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बनेगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां बेटा, मेटल से नॉन मेटल होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशंस के बारे में, चलो ये इसीलिए है कि मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम अब बात करेंगे फॉर्मेशन के बारे में, चलो। सर सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, चलो
लेवल पे बात की जाए तो बेटा अगर रिएक्शन लेके चलता हूँ तो मैं यहाँ पे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और Cl प्लस इलेक्ट्रॉन CL। एक बात बताओ मेरे को, सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 11 होते हैं सर, मानते हो? और इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? K में 2, L में 8 और बेटा M में 4, ऐसे होता है। तो फिर मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 2, 8, 1। अब बेटा जो 1 इलेक्ट्रॉन था मेरा, मेटल ने क्या कर दिया? उसको लूज कर दिया। अगर ये लूज करेगा तो इस पे कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2, 8 हो गया। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। अब हुआ क्या, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर 17 होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में बेटा 7। अब बेटा ये क्या करना चाहेगा क्लोरीन? इस एम में, इस एम को कंप्लीट फिल करना चाहेगा, पूरा भरना चाहेगा। और एम में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एम में, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो यहां से क्या हो जाएगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे 8 बना देगा। सर यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2, 8, 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, और कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मतलब ये इस कंडीशन में क्या है? 2, 8, 8। अब बेटा देखो इसकी आउटरमोस्ट कंप्लीट है, इसकी भी इस समय आउटरमोस्ट कंप्लीट है। कोई भी होगा वो अपनी आउटरमोस्ट कंप्लीट करना चाहेगा। मैटर होगा वो लूज करके पूरी करेगा अपनी आउटरमोस्ट, और नॉन मैटर होगा वो क्या करेगा? एक करके अपनी आउटरमोस्ट पूरी करेगा। ठीक है, चलो यहां से बात करें तो बेटा बात करें बेटा अगर आउटमोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, वो हो लिया हमारा टॉपिक। अब बात करते हैं बेटा इनके इलेक्ट्रॉन की। बेटा मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन सोर्स से शो करता हूं, और बेटा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो करता हूं। 4, 6, 7। बेटा क्लोरीन के आउटमोस्ट में कितने हैं? सर 7 होते हैं। बेटा 7 कर दिए क्रॉस से शो। सोडियम के में सर 1 होता है, वो कर दिया डॉट से। अब होगा क्या बेटा, ये तरीके का मैच लगा लो रस्सा कस्सी का। इस तरफ 7 बंदे हैं, इस तरफ 1 बंदा है, और इनमें कैपेबिलिटी सेम है, क्षमता इनकी सेम है, इन 7ों की और इस 1 की भी। ठीक है, जितना ये एक जितनी क्षमता है उसकी, इस 1 की भी है, ये सारे सेम है। मतलब दो जुड़वा भाई है और उनमें सेम काम है, सेम वेट उठाएंगे, सेम खाना खाएंगे। ये बन रस्साकसी हुई तो क्या होगा, ये 7 इसको एक को आसानी से अपनी तरफ खींच लेंगे। और अगर साइंस के व्याप की बात करें तो बेटा इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा, और इसको एनर्जी देनी पड़ेगी कम। तो बेटा जो कम में कहा होगा वही होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा? ये चला जाएगा क्लोरीन की तरफ। और अगर क्लोरीन की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NaCl। मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। सर एक एग्जांपल है MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। बात करें फॉर्मेशन हो MgCl2। ठीक है, वही बात है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो हम अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करके देखें तो सर K में कितने 2 कर दिए,
एल में एक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। और मैग्नीशियम में होते टोटल 12 हैं, के में दो इलेक्ट्रॉन, एल में एट कर दिए, बेटा हाउ मेनी आर लेफ्ट? 8 प्लस 2 10 हो गए सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो बेटा M में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो बेटा आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए। चलो क्लोरीन के बारे में बात करें तो इसका होता है 70, ठीक है। इसका भी अगर डायग्राम बड़ा है K, और ये होगी सर M। बेटा K में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 1, 2, L में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा M में कितने आएंगे सर? बेटा 8 प्लस 2 10, कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से कंडीशन अराइज होगी, क्या समस्या ये बनती है? क्या बनी? फॉर्म क्या हो रहा है बेटा? मैग्नीशियम डाइट हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सर बात ये है, Mg, एक Mg के साथ दो क्लोरीन क्यों आ गए? बेटा एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? इसमें यहाँ कितने हैं बेटा? सर 7 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल कितने होने चाहिए? 1। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 देगा। तो बेटा कितने क्लोरीन आएंगे? सर 2 क्लोरीन आएंगे, तभी तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे, और तभी तो ये क्या होगा, अपने आप में स्टेबल हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन देके, और फिर इसकी आउटरमोस्ट क्या बच जाएगी? L बच जाएगी, और L क्या रहेगी बेटा? कंप्लीटली फिल रहेगी, L में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, फिर ये स्टेबल है। चलो Mg ने क्या किया, Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए सर अपने, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस समय इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2 8 2, और इस समय कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो सर 2 8, ठीक है, और इस समय इसकी आउटरमोस्ट कंप्लीटली फिल है, इस समय नहीं है, तो इसने अपने 2 देख के ये खुद क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लोरीन के बारे में बात करें, 2 8 7, अगर सर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहां पे Cl नेगेटिव 2 8 8। ध्यान रहे मैंने यहां क्लोरीन एक ही है, ठीक है। अगर मैं यहां ऐसा कर दूं 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या हो जाएगा? 2Cl नेगेटिव, ठीक है। चलो अब बात करें बेटा, ये है मेरा मैग्नीशियम, मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 शो कर दिए, और यहां पे आ गया मेरा क्या, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दिए, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का ये क्लोरीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन, ठीक है, क्या बन जाएगा? Mg 2 पॉजिटिव Cl 2, ठीक है, बन जाएगा, होगी फॉर्मेशन ऑफ Mg Cl 2। अब तुम एक बार करके देखना, फॉर्मेशन हो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, दैट इज योर AlClP। किसकी बेटा? AlCl3। और मुझे रिस्पॉन्स देना क्या हुआ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 3, आउटरमोस्ट में 3 हो जाएंगे,
और क्लोरीन कितने यूज होंगे? तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा एल्यूमिनियम, तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्लोरीन कितने होंगे बेटा? तीन होंगे, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, करके देखना और फिर बताना। थैंक यू।